शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1,01,47,000 रुपयों की सुपारी जब्त, अधिकारियों ने गोडाउन को किया सील। वाड़ी वर्धामना ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, समूचे देश से यहां पर माल को लाया जाता है और उतारा जाता है। शुक्रवार को शाम 7 बजे से सुबह 3 बजे के दौरान अन्न व औषध प्रशासन विभाग के दक्षता पथक ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों रुपयों की सड़ी सुपारी पकड़ी गई। इस साल की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इंडो आर्यन गोडाउन पर 18 बिल्टी की सुपारी पकड़ी गई है। व्यवसायी ने निकृष्ट दर्जा के सुपारी सेवन के लिए बेची जाने की सूचना अन्न प्रशासन सहायुक्त सुनील भारद्वाज को मिलते ही गोडाउन पर गुरुवार को इंडो आर्यन सेंट्रल के गोडाउन से करीब 1,01,47,603 रुपयों की सुपारी, 39,213 किलो सुपारी बरामद की गई है। यह कार्रवाई गुरुवार की शाम 7 बजे शुक्रवार की सुबह 3 बजे तक चली। कोविड-19 में लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, फिर भी कुछ व्यवसायी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके पहले भी नागपुर में बड़ी कार्रवाई की गई थी। दक्षता विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी नीलेश विशे, मिलिंद महागड़े, राहुल ताकोटे के दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुपारी को इंडो आर्यन गोडाउन में सील कर दिया गया। इसकी जांच के लिए सुपारी को भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई होने की आशंका है। सूत्रों ने बताया कि वाड़ी वर्धामना क्षेत्र गोडाउन में अभी भी 2 नंबर का माल उतारा जाता है। इस पर विभाग का विशेष ध्यान नहीं होने से सालों से चल रहा सुबह सुबह यहाँ पर भारी मात्रा में माल उतारा जाता है। इस बार की कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नागपुर कमी दर्जाची व खाण्यास अयोग्य असलेले निकृष्ट दर्जाचे सुपारीची विक्री होत असल्याची बातमी अन्न औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाला प्राप्त झालेली होती। सदर बातमीच्या आधारे काल रात्री नागपूर परिसरातील वडधामना भागातील इंडो आर्य सेंट्रल लिमिटेड येथे अन्न औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाने धाड घातली व सदर कारवाईमध्ये सुमारे 1,01,47,000 रुपये किमतीची व 39,213 किलो वजनाची सुपारी ही प्रथमदर्शनी निकृष्ट दर्जाची आढळल्याने जप्तीची कारवाई करण्यात आलेली आहे। सदर जप्त केलेल्या सुपारीचे नमुने घेण्यात आले असून अन्न सुरक्षा मानदे अधिनियमाप्रमाणे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि ते लॅबला पाठवण्यात आलेले आहे। सदर विश्लेषणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत पुढील उचित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। NBC News के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।